जो था वो आगरा के पुलिस कमिश्नर के साथ में था और उनको कई कुछ सुझाव सुनाए बताए गए और उनमें से एक सुझाव था कि औद्योगिक थाना अलग से होना चाहिए। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने यहाँ पर घोषणा की है कि इस रौनकता थाने को औद्योगिक थाना बनाया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि औद्योगिक थाना अलग से होने से उद्योग में जो सुरक्षा की जो समस्याएं हैं वो वातावरण कहीं ना कहीं बनेगा। जो आशंकाएं एक उद्यमी को रहती हैं कि उद्यम को लगता है कि कई बार वो बम पर बैठा हुआ है, उसके अंदर में 2,000 या 2,500 लोग काम करते हैं, कभी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है, उस दुर्घटना पर जब उसके खिलाफ FIR 304 की या उसकी होती है तो उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये ऐसा नहीं होने पाएगा जब तक कि कोई विशेष तथ्य संज्ञान में ना हो। तो होगा भी तो 304 ए में होगा। इन सारी आशंकाओं को यहाँ दूर किया गया है और मुझे लगता है कि ऐसे संवाद अगर होते रहेंगे उद्यमियों और पुलिस के बीच में तो इसमें कहीं ना कहीं समस्याएं हल होंगी। वैसे भी सर बहुत लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित औद्योगिक वातावरण बना है और इस उद्योग के इस संवाद के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री एवं पुलिस प्रशासन दोनों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की है कि जो एक सुरक्षित वातावरण हमको मिला। पहले की तुलना में इस समय क्राइम काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन यह बात भी ठीक है क्राइम जिस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं उसके सॉल्व में सबसे अच्छा कारण CCTV आ रहा है, क्योंकि CCTV फुटेज लेते ही पुलिस एक्शन में आ जाती है, अपराधियों का संज्ञान मिल जाता है, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए सारी चीज़ जानकारी होती है। तो जहाँ जहाँ नहीं लगे हैं CCTV कैमरे तो यह हमने आज कहा है कमिश्नर साहब ने भी उसे लगाएं और लगे हुए CCTV कैमरे को भी चेक करते रहें उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। एक बात मैंने और कहा था रेजिडेंशियल क्षेत्र में भी CCTV कैमरे उतने ही आवश्यक हैं जितने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। तो आज का कुल मिलाकर संवाद बहुत अच्छा रहा और मुझे विश्वास है आज के संवाद से एक तो लोगों के बीच में पुलिस और जनता के मध्य और समन्वय बढ़ेगा और उनके जो सुझाव दिए हैं उसको पुलिस विभाग अगर करेगा ही उसका पालन या उसके कार्रवाई करेगा तो और भी सुरक्षा बढ़ेगी। बहुत अच्छा वातावरण आगरा के बनने जा रहा है, हमें पूरा विश्वास।